चलिए जी। सूद से मुतालिक मुझे क्वेश्चन करना था कि उसमें हम क्लियर नहीं है कि मतलब हमारी इकोनॉमी बेसिकली सूद पे, इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, इन्हासार करती है सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और इकोनॉमी। लेकिन जो भी स्कॉलर्स कह लें वो अभी तक इस चीज़ पे ब्लैंक हैं, वो कोई मसावी पैरेलल इकोनॉमी अभी तक नहीं बना सके किसी भी इस्लामी मुल्क में या इंडिविजुअली भी। तो हाउ कैन वी एज ए इंडिविजुअल अवॉइड दिस इंटरेस्ट? किसी भी मुल्क में जब तक कि ये सरमायादारा निज़ाम बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, कोई ऑल्टरनेट निज़ाम आ ही नहीं सकता। ये नहीं है कि ऑल्टरनेट निज़ाम नहीं है, इक्विटी की बेसिस के ऊपर सारा काम हो सकता। आप पार्टनरशिप की बुनियाद पर कीजिए ना, आप जो है पार्टनरशिप की बुनियाद पर आप काम आगे चलाइए, मुजारबत की बुनियाद पर चलाइए, चलता है। लेकिन चूंकि उसमें रिस्क रहता है, आम आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो कहता है मेरी रकम बरकरार भी रहे और उस पर मुझे एक फिक्स दफा भी मिले। इसलिए आप एक मुतबादिल निज़ाम अगर शुरू भी कर दे तो कोई आएगा ही नहीं उधर। इस हवाले से पहली बात तो ये है कि ये तो होगा आफ्टर ए टोटल रेवोल्यूशन, एक निज़ाम का यहाँ पे इनकलाब लाया जाए, बदला जाए और एक पूरा निज़ाम, पॉलिटिकल निज़ाम भी बिल्कुल नया बनेगा। जैसा कि मैंने हवाला दिया था, मेरी किताब पढ़िए आप, खिलाफत की हकीकत और उसका निज़ाम असर हाजिर में क्या होगा, सियासी क्या होगा, माशी क्या होगा और माशरती क्या होगा। तो ये तो पूरे एक टोटल रेवोल्यूशन के बगैर मुमकिन नहीं है कोई ऑल्टरनेट निज़ाम यहाँ पर ले आना। और हमारी ये हमारा जुर्म है, ये बहसियत मजमू उम्मत मुस्लिमा मुजरिम है इसकी कि उसने कहीं पर भी इस्लामी निज़ाम पूरा कायम करके दुनिया को दिखाया नहीं। ये जुर्म है जिसकी वजह से इस वक्त हम जिल्लत में हैं। ज़ुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कलतु व बाउ बिग़ज़बि मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से जिल्लत और ठुड़दिलापन हमारे ऊपर मुसर्रत कर दिया गया। अलबत्ता ये है कि बहालात मौजूदा एक शख्स जो चाहता है कि वो गुनाह से अपने आप को बचाए वो क्या करे। अब इसमें हमें फ़र्क करना पड़ेगा, एक है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सूद, क्या कि आपने एक रकम रखवा दी है और आप उसका जो है सूद खा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है हमारे यहाँ बहुत से लोग वो रिटायरमेंट के ऊपर उन्हें ग्रेचुटी मिली है, 15-20 लाख लग मिल गया है, वो जाके बैंक में रख दिया, अब वो माहाना उसे वहाँ से ले रखा। ये सूद, ये चिट्टा सूद है, खरा सूद है, पक्का सूद है, हराम 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 हराम। दूसरा ये कि आप बैंक से रकम लेते हैं अपनी दुकान बढ़ाने को, अपनी बिल्डिंग ऊंची करने को, अपने कारोबार को वसत देने को, और वहाँ सूद देते हैं, ये भी हराम 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 हराम। ये तो हो गए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सूद। एक इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जो आपने कहा पूरी हमारी मईशत का जो है निज़ाम सूद पर है, हमारी हुकूमत सूद पर चल रही है। अब एक सरकारी मुलाजिम वहाँ से तनख्वाह ले रहा है, वो बराह रास्त सूद में मुलविस नहीं, इनडायरेक्टली तो है। इनडायरेक्ट सूद तो मुझ में भी जा रहा है, आप में भी जा रहा है। और हुजूर की एक हदीस ये है कि एक वक्त आएगा कि कोई शख्स सूद से अगर बच भी गया तो सूद के गुबार या धुएं से, दुखान या गुबार से नहीं बच सकेगा। जैसे हवा के अंदर डस्ट सस्पेंशन हो जाए, आपको गर्दा नजर आ रहा है हवा के अंदर, अब आप क्या करेंगे, नाक बंद कर लेंगे, आप सांस नहीं लेंगे, सांस तो आपको लेना है जिंदा रहने के लिए, तो गर्दा अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। या अगर धुआं कहीं भर गया है और कोई भागने की जगह भी अभी नज़र नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, आप सांस लेना बंद कर देंगे। हो सकता है कि कुछ देर के बाद धुएं की वजह से जान निकल जाए, लेकिन जब तक मुमकिन होगा तब तक तो आप सांस लेंगे, वो धुआं अंदर जाएगा। तो एक है इनडायरेक्ट सूद, उससे कोई बचा हुआ नहीं है, बल्कि गंदम के हर दाने में सूद है। फ़र्ज़ कीजिए उसका बीज लिया गया था सूदी कर्जे पर, उसके लिए फिर जो लिए गए जिनको कहते हैं जो खाद होती है वो ली गई सूद के कर्जे पर, और पेस्टिसाइड्स लिए गए सूद के कर्जे पर, ट्रैक्टर लिया गया सूद के कर्जे, तो गोया कि हर गंदम के दाने में सूद मौजूद है, वो मैं खा रहा हूँ आप भी खा रहे। तो इसके लिए तो ये है कि इसका जो गुनाह मेरे और आपके अंदर जा रहा है इनडायरेक्ट सूद का, उसका कफारा ये है कि आप अपने पूरी जिद्दोजहद करें इस निज़ाम को बदल कर, वो निज़ाम लाने की जिसमें कि हम इस सूद को बिल्कुल इरेडिकेट कर सकें, इसको ख़त्म कर सकें, ये कफारा हो जाएगा। ये जिद्दोजहद आपकी, इसमें जो आप वक्त सर्फ करेंगे, आप इसमें मेहनत करेंगे, इसमें जो आप अपने माली ज़राए सर्फ करेंगे, ये सब कफारा बन जाएगा उस गुनाह का जो हमारे अंदर जो है सूद जा रहा है, इनडायरेक्ट सूद। लेकिन उससे बिल्कुल बचना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, डायरेक्ट सूद से बचना
یہ لازم ہے. اچھا تیسری بات اور جان لیجئے, بعض انسٹیٹیوشن ایسے ہیں کہ جو قائم ہی سود پر ہیں اس کی سروس بھی حرام ہو جائے گی. بینک ہے, بینک کی بنیادی کیا پروپوزیشن ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکسٹائل مل ہے, اس نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے, وہ سود دے رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ اس کا اصل بزنس نہیں ہے. اصل بزنس تو یہ ہے کہ وہ دھاگے سے کپڑا بنا رہا ہے, لیکن اس میں اس کی جو ہے اس نے اوور ڈرافٹ لیا ہوا ہے. لیکن ایک یہ کہ بینک کا تو پروپوزیشن ہی یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر وہ ڈپازٹ لیتے ہیں, زیادہ شرح سود کے اوپر وہ قرض دیتے ہیں تاکہ وہ ڈفرنس جو ہے اس کی کمائی ہے. تو اس کی پھر اس طرح کے اداروں کی ملازمت بھی حرام ہو جائے گی. تو ڈائریکٹ سود میں انوالومنٹ اور بالکل خالص سودی اداروں کی ملازمت سے بھی بچنا. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ انڈائریکٹ سود جو جا رہا ہے ہمارے اندر, اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے.